एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। ये कहानी एक पिल्ले की कहानी है, पप्पी की कहानी है, जो थोड़ी दुखद है परंतु सच है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है इस कहानी को अपने कविता की पंक्तियों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो कविताएं कुछ ऐसी है, मुझे रोज एक आवाज बहुत सताती है, मुझे रोज एक आवाज बहुत सताती है, उसकी तड़प मुझे अंदर तक झिंझोर जाती है, उसकी तड़प मुझे अंदर तक झिंझोर जाती है। आज सुनिए मेरी जुबा से एक पिल्ले की कहानी, आज सुनिए मेरी जुबा से एक पिल्ले की कहानी। सुबह हो या शाम उसकी रोने की आवाज मुझे आती है, सुबह हो या शाम उसके रोने की आवाज मुझे आती है। कई बार उसे दूर से कराहते देखा है, कई बार उसे दूर से कराहते देखा है, मदद के लिए गुहार लगाते देखा है, मदद के लिए गुहार लगाते देखा है। दिल करता है कई बार जाकर उसे सताने वाले को रोक लूं, दिल करता है कई बार जाकर उसको सताने वाले को रोक लूं। एक बार रोका भी था, एक बार रोका भी था, उसको सताने वाला एक बच्चा था, उसको सताने वाला एक बच्चा था। मैंने पूछा तुम क्यों सता रहे हो, मैंने पूछा तुम क्यों सता रहे हो बेजुबा को, ये मेरा है, उसने पलट कर जवाब दिया मुझको, ये मेरा है, पलट कर जवाब दिया मुझको। जरा सोचो क्या सही में दास प्रथा खत्म हुई है, जरा सोचो क्या सही में दास प्रथा खत्म हुई है। आज मनुष्य की जगह बेजुबा को दास बना दिया गया है, आज मनुष्य की जगह बेजुबा को दास बना दिया गया है। सुना है एक बीमारी आई है, सुना है एक बीमारी आई है जो कुत्तों को बीमार कर रही है, सुना है एक बीमारी आई है जो कुत्तों को बीमार कर रही है। आते जाते सड़कों पर भूखे प्यासा बैठा उनको देखा है, आते जाते सड़कों पर भूखे प्यासा बैठा उनको देखा है। उसकी आंखों में मैंने गंभीर दुख देखा है, उनकी आंखों में मैंने गंभीर दुख देखा है। मन बहुत दुखी हो जाता है सोचकर कि तुम खिलौना समझकर घर लाए थे उसको पुचकार कर, मन बहुत दुखी हो जाता है सोचकर तुम खिलौना समझकर घर लाए थे उसको पुचकार कर, बीमार होने पर उसी को घर से भगा दिया बेकार समझकर, बीमार होने पर उसी को घर से भगा दिया बेकार समझकर। ये बेजुबा है पर इसमें भी एहसास है, ये बेजुबा है पर इसमें भी एहसास है, कृपया अपनी दया दृष्टि दिखाओ इन पर, कृपया अपनी दया दृष्टि दिखाओ इन पर, न करो अत्याचार इन पर, क्योंकि धरती पर यही सबसे वफादार है।